Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Hey guys, आपका अगेन मेरे चैनल करिश्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है. सो आज मैं आपके साथ आलू सैंडविच की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ. सो आप देख सकते हैं मेरी आलू सैंडविच काफ़ी अच्छी, काफ़ी सही लग रही है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना. सो इसके लिए मैं फर्स्ट अपने पैन में लूँगी 2 TBSP ऑयल और इसे थोड़ा सा गर्म होने दूँगी. देन मैं इसमें डालूँगी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, 1 TSP डालूँगी, छोटा चम्मच. देन मैं इसमें डालूँगी करी लीव्स. इसके बाद मैं इसमें एक कटा हुआ प्याज डालूँगी, बारीक कटा हुआ प्याज है ये, ओके. और इसे मैं देन करूँगी टॉस, अच्छे तरीके से मैं इसे टॉस करूँगी. अच्छे तरीके से चलाना है आपको. आपके प्याज सफ़ेद हो जाएं तब तक आप इसे अच्छे से पकाएं. आप देख सकते हैं. इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिली, बारीक कटी हुई हरी मिर्च है ये, एक हरी मिर्ची बस मैंने डाला है यहाँ पे, क्योंकि मैं लाल मिर्ची भी डालने वाली हूँ. इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट. मोस्ट लोग इसे पहले डालते हैं बट बाद में डालने से इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आएगी. सो इसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी. अब मैं इसमें डालूँगी माय आलू मैश पोटैटो. इसे मैंने बॉईल किया है, मैश किया है. देन मैं इसमें डालूँगी टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर एंड अमचूर पाउडर. सारी की कितनी क्वांटिटी मैंने डाला है आपको मिल जाएगा लिखा हुआ नीचे, ओके. यहाँ पे मैं पिज्जा मिक्स डाल रही हूँ, आपके पास हो तो ही डालें. यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब सॉल्ट टू टेस्ट और इसे अच्छे से अब मैं पका लूँगी. आपको पकाना है अच्छे से अपने आलू को. आप देख सकते हैं मेरे पैन से आलू छूट रहा है. अब ये आलू अच्छे तरीके से पक चुका है. अब इसमें मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट डालूँगी धनिया, चॉप्ड कोरिएंडर. आप देख सकते हैं हमारा आलू, हमारा आलू भरता तैयार हो चुका है. स्टफिंग है ये हमारे सैंडविच की. सो इसमें मैंने लिया है मेयोनीज और ग्रीन चटनी लिया है, मैंने दोनों को लिया है 1 बड़ा चम्मच और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी. इसे हम ब्रेड के एक पार्ट में लगा लेंगे, एक ब्रेड पे मैं लगाऊंगी इस मिक्स को जो मैंने बनाया है मेयोनीज और ग्रीन चिली से, सॉरी ग्रीन चटनी से. और सेकंड पोर्शन में, मतलब सेकंड ब्रेड में मैं लगा लूंगी शेजवान चटनी. सो टू डिफरेंट फ्लेवर है. इसके बाद जो मैंने आलू भरता बनाया है उसे ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और देन मैं अपने ब्रेड के दूसरे स्लाइस को लगा लूँगी ऊपर. मैंने वाइट स्लाइस में लगाया है आलू स्टफिंग और रेड स्लाइस को ऊपर से कवर किया है. और अब इसे हम अच्छे से पैन में सेक लेंगे. सो मैंने पैन में रख लिया है और यहाँ पे मैंने डाला है ऑयल और बटर मिक्स. मैंने सिर्फ ऑयल से इसको नहीं सेका है, मैंने ऑयल और बटर का मिक्स यूज़ किया है जिससे आपको बटर का भी फ्लेवर मिलेगा. आप चाहे तो ब्रेड पे बटर भी लगा सकते हैं जैसे कि जनरली नॉर्मल लोग लगाते हैं, या फिर मेरे तरीके से आप ऑयल और बटर का मिक्स यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं अपने ब्रेड को अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक रही हूँ और मैं अपने ब्रेड को कर रही हूँ प्रेस. प्रेस करने से क्या होगा कि हमने यूज़ नहीं किया है ब्रेड मेकर, हमने यहाँ पे सैंडविच मेकर का यूज़ नहीं किया है. सो प्रेस करेंगे तो आपको वो जो क्रंचीनेस मिलती है जो सैंडविच मेकर से, वैसी क्रंचीनेस मिलेगी आपको यहाँ पर.
सो दैट्स वाई आपको प्रेस करना ज़रूरी है, जितना प्रेस करेंगे उतना अच्छा आपका बनेगा सैंडविच। चूँकि आप जानते हैं कि सैंडविच मेकर में भी दोनों साइड से हमारा ब्रेड होता है प्रेस, सो इसी कारण हम तवा में भी इसी तरीके से दोनों साइड से ब्रेड को करेंगे प्रेस, ताकि हमारी सैंडविच बने काफ़ी सही, काफ़ी क्रंची। आप देख सकते हैं मेरी सैंडविच काफ़ी क्रंची है, और इसी तरीके से मैंने सारी सैंडविचें बना चुकी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रंची दोनों साइड से, आप देख सकते हैं एक साइड मैंने वाइट मेयोनीज एंड ग्रीन चटनी का मिक्स है, और सेकंड साइड है मेरी शेजवान चटनी। सो इसी तरीके से आप भी अपनी सैंडविचें बनाएं और सर्व करें अपने लोगों तक। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके साथ यही कहना चाहूँगी, अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो और आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को करें लाइक, और मेरी बहुत सारी वीडियो को करें लाइक एंड वॉच करें, और मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें अपने ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली तक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लव यू ऑल एंड बाय।